हाइफ़न्स में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज़। गुड न्यूज़ फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, इस साल की आखिरी बॉलीवुड फिल्म। सर मेरे साथ मौजूद है फिलहाल विजय सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज़ में। सबसे पहले आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, दबंग से ही ठीक हूँ। और यहाँ पर गुड न्यूज़ आपने देखी जी, किस तरह की फिल्म लगी? बहुत पेट्रियोटिक है या मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप है या फिर कॉमेडी, क्या किस तरह की फिल्म है ये? आपने सवाल अच्छा किया, इसमें डॉक्यूमेंट्री कहीं कहीं नहीं जी। अच्छा, क्योंकि सवा दो घंटे की पिक्चर है, टाइटल बहुत अच्छा, गुड न्यूज़। अच्छा, पिक्चर भी अच्छी है नो डाउट, लेकिन आपने जो सवाल किया वो सही किया। डॉक्यूमेंट्री इसलिए कहा जाता है कि पूरी सवा दो घंटे की पिक्चर पूरी एंगेज करके रखी है, सिर्फ हॉस्पिटल में कैसे बच्चा पैदा करना है, कैसे क्या करना है, उसी के ऊपर है, तो आप डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, राज मेहता का पहला डायरेक्शन वाली फिल्म है, तो क्या वो एज ए डायरेक्टर कामयाब रहे? नहीं नहीं, स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन पे सब कुछ अच्छा है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कब तक पकड़ के रखोगे? ये फिल्म क्लास लोगों को पसंद आएगी, सिंगल स्क्रीन में कम पसंद आएगी। अच्छा, एक एक सबसे यूनिक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म है या नहीं? मासेस के लिए नहीं, फैमिली ऑडियंस के लिए, क्योंकि इसमें कई सीन गंदे सीन्स है, जहाँ किरणा की डिलीवरी होती है वहाँ पर अक्षय कुमार भी मौजूद है, डॉक्टर है और उसका असिस्टेंट भी झुक झुक के देखते हैं, वो सीन बड़ा गंदा है, तो मासेस को पसंद नहीं आएगा। यू एस सर्टिफिकेट किस तरह से मिल गया, क्या लगता है वो? पता नहीं, ठीक है नहीं, कुछ दिखाया नहीं। अच्छा, लेकिन देखने में गंदा लगता है कि ये लोग झुक के क्यों देखते हैं, डिलीवरी होती है ना वो थोड़ा। चलिए परफॉर्मेंस की बात कीजिए, सबसे बेहतर कौन लगा जी? इस बार भारी पड़ गया अक्षय कुमार पर, दलजीत। अच्छा, कुछ सीन में एक एक डायलॉग अच्छे थे इसके, तो इस पर ज़रा भारी पड़ गया। म्यूजिक की बात की जाए, म्यूजिक अच्छा है लेकिन ठीक ठाक है, एक गलती कर दी जो सौदा खड़ा करा, बहुत ज़बरदस्त गाना है, वो गाना एंड में डालते हैं, टाइटल शुरू होते हैं पब्लिक बाहर, इसका क्या मतलब है? तो ये आखिर में सवाल है कि गुड न्यूज़ आ चुकी है, सिंगल स्क्रीन पर दबंग थी धमाके कर रही है, तो क्या लगता है उस बीच में ये गुड न्यूज़ क्या चलने के चांसेस ज़्यादा है कि क्या लग रहा है फिलहाल? देखो, दबंग लगी थी दो थिएटर में, गेटी और गैलेक्सी में, जो 1800 की कैपेसिटी, ये सिर्फ एक थिएटर में है, इसकी आज कैपेसिटी थी 30%, बहुत लो है। दबंग अभी चल रही है, दबंग 150 करोड़ हो गए, अब ये 100 करोड़ होती है कि नहीं पता नहीं। तो मिलाकर ये कह सकते हैं गुड न्यूज़ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए है या मल्टीप्लेक्स? गुड न्यूज़ मल्टीप्लेक्स के लिए, दबंग सिंगल स्क्रीन के लिए, और पिक्चर चलाती है मासेस, तो दबंग तो निकल ही गई समझो। मैं आपकी सर रेटिंग जांच, दबंग इन्हें मैं एवरेज बोलूँगा इसको, एवरेज। नया साल आ रहा है, आपके फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस भाईजान का बर्थडे है आज, वो भी बस को विश करना चाहूँगा सलमान खान को कि जब तक ऊपर वाले ने उनको जीवन दान दिया है तब तक ऐसे ही रहे, हैंडसम बॉय की तरह, एवर ग्रीन, और लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहे। आपको बहुत मानती है हमारे चैनल पे जो फैंस हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नया साल भी है, बस नए साल एंजॉय करें, लोगों को तकलीफ ना दे, बस सलमान खान लास्ट में कहते हैं ना कि डू व्हाट यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल योर मदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर विजय सर, आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं विजय सर ने साफ साफ कहा कि फिल्म आखिर कैसी है, आपको देखनी है तो क्यों देखनी है, नहीं देखनी है तो क्यों देखनी है, आपकी अपनी चॉइस है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।